नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2019 में कब से शुरू और कब समाप्त होंगे, और दुर्गा अष्टमी व दुर्गा नवमी कब मनाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड बेस्ट मैजिक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। पूरे साल में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। अधिकांश लोग साल के 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। यह नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। लेकिन इन 2 नवरात्रों के अलावा भी 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। यह गुप्त नवरात्र माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। आषाढ़ महीने यानी जून और जुलाई में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि भी कहा जाता है। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस साल 3 जुलाई 2019 से आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार के आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 3 जुलाई 2019 दिन बुधवार से 10 जुलाई 2019 दिन बुधवार तक रहने वाले हैं। दोस्तों, ये नवरात्र भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिन तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्र से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्र में खास तौर से तांत्रिक क्रियाएं शक्ति साधना से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। इस समय में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विशेष महत्व है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ द्रुमावती, माँ बगुलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी हैं। दोस्तों, इस नवरात्र को करने में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। चूँकि इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। दोस्तों, सांसारिक लोग इस नवरात्र को ठीक उसी तरह मनाएं जिस तरह से वह चैत्र व शारदीय नवरात्र मनाते हैं। गुप्त नवरात्रों के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करें। माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रों के भिन्न भिन्न दिन की जाती है। इस साल माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के दिन इस प्रकार हैं। 3 जुलाई 2019 दिन बुधवार को घट स्थापना व माँ शैलपुत्री की पूजा करें। 4 जुलाई 2019 दिन गुरुवार को माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें और 5 जुलाई 2019 दिन शुक्रवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और 6 जुलाई 2019 दिन शनिवार को माँ कुष्मांडा का पूजन होगा और 7 जुलाई 2019 दिन रविवार को माँ स्कंद माता का पूजन होगा और 8 जुलाई 2019 दिन सोमवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी और 9 जुलाई 2019 दिन मंगलवार को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। साथ ही तिथि का क्षय होने के कारण 9 जुलाई को ही माँ महागौरी और दुर्गा अष्टमी का पूजन किया जाएगा और 10 जुलाई 2019 दिन बुधवार को माँ सिद्धदात्री व नवरात्र व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।